आज मैं बताऊंगा फ्री रेंज एरिया के फायदे। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हो या कर रखते हो तो फ्री रेंज एरिया के फायदे क्या क्या ये बता रहा हूँ आज आपको। वीडियो अंत तक देखिए और फ्री रेंज से क्या फायदा है। फ्री रेंज एरिया के अंदर आप बॉयलर मुर्गी को छोड़ के और बाकी किसी भी कास्ट के या किसी ब्रिड को आप फ्री रेंज एरिया के अंदर छोड़ सकते हो। फ्री रेंज एरिया का सबसे बड़ा फायदा, सबसे मोटा फायदा, आपको फीड का खर्चा बिल्कुल नहीं होता। जैसे मुर्गी, मेरी मुर्गी कचरा खा रही है, असली मुर्गी जो घर का फेंका बाजरा बुजरा खा रही है, जो घर है, इसमें सबसे आपका बेनिफिट होगा कि आपको फीड का कोई खर्चा नहीं होगा, यानी दाने का कोई खर्चा नहीं है। क्योंकि जब ये बाहर घूमेंगे ना, जैसे ये बाहर घूम रहे तो इनको हमारे पेड़ है दिख रहे, पेड़ पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, नीम के पत्ते, सादिन के पत्ते, हरे पत्ते, इतने चाव से खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं, वो खा लेते हैं, हमारे साधन के पेड़ लगा रखे वो खा के अपना पेट भर लेंगे। दूसरी बात, इनका जो पेड़ है ना, पेड़ों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े जो भी जानवर बैठती है ना, अरे वो नीचे गिरती है तो वो उनको खाने में बहुत माहिर है। इनके बिल्कुल भाके खाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं कीड़े मकोड़े, आप देख सकते हो। फिर हमारे बगल में हमारा बकरी फार्म है, तो बकरी को हम दाना वगैरह देते हैं, धान या जो भी देते हैं, तो बकरी की मींगनी के अंदर वो साबुत आता है बाहर से, वो अंदर नहीं पचता है। बकरी के अंदर पच के और मींगनी से बाहर आएगा तो मींगनियाँ होती हैं, मींगनियाँ तो उनको फोड़ के बड़े चाव से खाते हैं। और बकरी को हम जंगल के अंदर लेके जाते हैं, बकरी कितनी जड़ी बूटी खाती है पता है, बहुत ज़्यादा खाती है। वो मींगनी के अंदर आएगा जो हंस से मींगनियाँ उनको खाते हैं, उनको पचा हुआ आता, पचा हुआ फिर आएगा वो बकरी खाने में बड़े अच्छे स्वादिष्ट से खाते हैं। इधर बगल में हमारे यहाँ भैंसों का तबेला, मेरे पीछे दिख रहे हैं, वहां से तो गोबर था, गोबर के कीड़े वगैरह थे वो खा लेते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा आपका क्या हुआ, कीट गया, यानी इनको दाल डालने की जरूरत नहीं है, या अपने आप फिर फिर के खा लेते, आप देख सकते हो। दूसरा फायदा क्या हो गया आपको इसका, इनका, इनके अंदर भाई कोई बीमारी नहीं आएगी, बिल्कुल भी बीमारी नहीं आएगी। मैं आपको दिख के देता हूँ, इनके अंदर बीमारी नहीं आएगी बाहर घुमाने से, बिल्कुल ऐसे तंदुरुस्त रहेंगे जैसे कोई बहुत ही स्पीड से उड़ेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, बड़े मस्त रहते हैं, बड़े खुले में उनको सांस आता रहता है। आप देख सकते हो मेरे मुर्गी, देखो पूरा एक एकड़ के अंदर फैल रहे, ये 50 मुर्गी है लेकिन लग रहे 5-4 मुर्गी, पूरा एरिया में घूम लिया, अपना अपना इलाका बांट लिया। और रात की बारिश हो रही थी, इतने कीड़े मकोड़े गिरे तो ये खा रहे हैं, उधर ये खा रहे हैं, वो देखो उधर वो खा रहे, अपना पेट आराम से ये भर देंगे। और ये अगर बाहर घूमेंगे, बाहर अगर फ्री रेंज में घूमेंगे तो ये पत्थर खाएंगे, कचरा खाएंगे, जो भी खाएंगे, तो अंडे की जो क्वालिटी होती है ना, अंडे की क्वालिटी आप टेस्ट करके देखना। अगर बाहर बच्चा मुर्गा, देसी मुर्गा बाहर घूम रहा है तो उसके अंडे की आप क्वालिटी देखना, इतनी बेस्ट क्वालिटी के अंडे मिलेंगे आपको कि मज़ा आ जाएगा खाने में। अगर ये भी देसी मुर्गी अगर आप फार्म के अंदर देखें, इनको पालते हो, अंडे भी देंगे लेकिन आपको इनके लिए पत्थर डालना पड़ेगा, चूना पत्थर डालना पड़ेगा, खाना बाहर से ला के देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ऐसे उनको अंडे में इतना टेस्ट नहीं आता है। मुर्गी एक ही कास्ट के लेकिन बाहर में दूसरा, इनका जो मीट होता है ना, मीट परपज, बाहर जो मुर्गियाँ घूमते खुले में हर चीज़ खाती है, उसका मीट बिल्कुल लाल होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि पूछो मत। यही अगर मुर्गी आप फार्म के अंदर रखोगे तो मीट काटोगे तो थोड़ा सफेद निकला, इतना टेस्ट नहीं निकलेगा, इनको फीड देना पड़ेगा भाई खुद को, तो मीट इतना मस्त जा पूछो मत। और मुर्गे इतने मतलब तंदुरुस्त, इतने जब मारेंगे आप देख सकते हो कि वास्तव में आनी है मुर्गे। तो फ्री रेंज एरिया में आपको कोई भी फ्री का खर्चा नहीं, बिल्कुल फ्री के अंडे मिलते हैं। फ्री रेंज का मतलब बिल्कुल फ्री के अंडे मिलेंगे आपको, इससे आप घर का जो बेस्ट खाना होता है, हमारे घर में सब्जियाँ बचती है, दाल उसको बचता है ना, खाना पीना जिधर कितना बचता है, पूरा लाके इधर बाहर डाल दो, आराम से खा लेंगे। तो आप बोलोगे कि ये खाना फार्म के अंदर डाल सकते, अरे दोस्त खाना अगर आप अंदर डालेंगे घर का बच्चा फार्म के अंदर तो फार्म बदबू आने लग जाएगा, मुर्गे बीमार हो जाएंगे। तो हमारा बेस्ट खाना होता है ना, खाना अगर अंदर डालेंगे फार्म के अंदर, फार्म बदबू आने लग जाएगा और वो कोई बीमार हो जाएगी। फिर बाहर डालने से क्या, आराम से चावल के खाते, खाना खराब होता है कैसे होगा, खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जिसके पास भाई जमीन नहीं है फ्री रेंज, उसको तो चलो कोई बात नहीं, अंदर आप करो आराम से बाहर घूम ले। अभी फिर आप जाओ बाजार में,
मुर्गी काटने वाला होता है उसे मीट लेके आ जाओ, कटिंग का मीट लेके आ जाओ, और वो मीट इनको धीरे धीरे छोटे छोटे पीस करके धाव से और इनको दे दो, ये मीट है इनको दे दो, और वो आराम से चाव से खाएंगे। उनके पास तो फेंकेगा ही तो मीट लगे नहीं, देखो तो आराम से चाव से खा लेंगे तो आपके फीड का खर्चा बच जाए, मुर्गों में विटामिन मिल जाएगा। आप बाजार में गए सब्जियां बेस्ट सब्जियां होती है बाजार में, बेचने वाले सब्जियां जो खराब हो जाती है जतन थोड़ी बहुत खराब हो जाती है वो लेके इनको डाल दो। फिर अभी जो तरबूज है काकड़ी है खीरा है टमाटर है प्याज है जो भी है कचरा करके कचरा फूट के उनके पन्नी पर सगे पन्नी पर डाल दो, बड़े चाव से खाएंगे, बड़े चाव से खाएंगे कोई दिक्कत नहीं इनका, आराम से खाके बड़ा पेट भर लेंगे और मस्त रह जाएंगे। तो आपका हरा चारा भी हो गया, विटामिन भी देगा, आपका मीट का कचरा हो गया, और थोड़े बहुत तो आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा तब जो मीट वाला देगा। मैं तो बोला एक कुंटल मीट कटता डेली का कितने लेके आ जाओ, मुझे खट्टा होता रहा पास लेना तो कोवे चीज ले जाती है। तो ये था फ्री रेंज एरिया का फायदा। अगर आप फ्री रेंज एरिया करना चाहते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जाली जितना भी आपका एरिया है एक एकड़ आधा एकड़ है पौन एकड़ है या बिल्कुल कम है बिल्कुल थोड़ा है 20x20 का, तो 20x20 का अगर पास है तो भी वो भी एक फ्री रेंज होता है, यानी फार्म से में इनको बाहर निकाल दोगे ना तो फ्री रेंज होता था। कितने आपके पास जमीन हो तो छत क्यों ना हो, घर की छत क्यों ना हो, तो सबसे पहले अगर आप मेरे निकालते हो तो इनके लिए सिक्योरिटी का मतलब इनका रक्षा। सबसे पहले आप जाली लाओ, टाटा की जाली मिलती है बिल्कुल जीरो नंबर की, बिल्कुल छोटे छोटे जिसके अंदर छोटे छोटे मक्खी भी जल्दी से नहीं घुसे, वो जाली लो 7 फुट की या 8 फुट की, उस जाली को आप चारों तरफ जमीन के अंदर आधा आधा पेटियाँ गाड़ दो और चारों तरफ जाली करो। उस जाली का ये फायदा कि अंदर नेवला सांप कुछ आपके फार्म हाउस के अंदर नहीं घुसेगा, और मुर्गी बिल्ली ऊपर से नहीं जंप मार पाएगी, पतली है ना बिल्ली बिल्कुल जंप नहीं मार पाएगी उसके ऊपर से, न कुत्ता जंप मार पाएगा, बेशक तो चील कौवा वो तो ऊपर से आपको बच्चे खा जाएंगे लेकिन अंदर में इनकी सेफ्टी हो जाएगी, आराम से उसके अंदर दिन भर घूमते रहेगा। आप अपना को दूसरा बिजनेस शुरू कर दो, एक बार सुबह उनको संभाल लो, जगह जगह पानी का बंदोबस्त कर दो और उनको बैठने लगे छाया का बंदोबस्त कर दो, ये दोपहर में छाँव में कहाँ बैठे, अगर अंदर पेड़ है एक आधा तो कोई बात नहीं, एक आधा साइड में पेड़ लगा दो और दिन भर ही अपने मस्ती से उनमें पेड़ों के नीचे बैठते रहेंगे, अच्छा डिमकर पानी लगा पानी पीते रहेंगे, अरे वो खाना आपने डाला वो खाते रहेंगे, ये बेस्ट खाना डाला। फिर आपके पास जगह कम है और आपने बेस्ट खाना डाला है तो भाई एक बार उनको साफ सफाई करके खाना बाहर फेंकना है, जो कचरा बच गया बदबू आने शुरू हो जाएगी। फ्री रेंज एरिया का तीसरा फायदा है कि हमारे अगर मुर्गी फार्म के अंदर नहीं रहेंगे, फार्म के बाहर रहेंगे दिन भर, तो फार्म में सर्दियों में गर्मी में अपने बारिश में कोई फार्म की बदबू नहीं आएगी। जैसे कि पड़ी पड़ोसी है मेरे गाँव घर है तो कोई नहीं बोले कि यार तेरा फार्म बदबू मारता, बिल्कुल बदबू नहीं मारता भाई मेरा फार्म, बिल्कुल जो बाहर घूम रहे हैं इनको धुआं देते नहीं हूँ तो इनको कोई बदबू नहीं आती फार्मिंग के अंदर, तो कुछ नहीं बोलता कोई आदमी भाई तेरे फार्म में अंदर बदबू आ रही, आराम से हमारा बसकास काम चल रहा है। अभी मैं 1 घंटे इनको सुबह संभालता हूँ, 1 घंटे शाम को संभालता हूँ, अभी मेरी मुर्गियाँ 20 या 25 30 20 या 22 23 अंडे देती है, मेरी ज़्यादा नहीं दे रही है, तो ये अंडों को भी हेच दे रहा हूँ, अभी मैं बंद कर दूंगा उस अंडों को, बंद इसलिए कर दूंगा भाई सर्दी आएगी अभी मेरे को भी बच्चे निकलवाने हैं, तो मैं मुर्गी के से ही बच्चे निकलवाता हूँ, न कि कोई हेचरी फेचरी किसी नहीं निकालता हूँ, मुर्गी के नीचे रख देता हूँ 8-10 मुर्गी नीचे रख दूंगा, वो निकाल लेकिन 15 दिन बाद में बच्चों को उठा दूंगा मुर्गी से, 15 दिन मुर्गी के नीचे रख दूंगा, 15 दिन बाद बच्चों को उठा दूंगा, और सभी मैंने अभी रूम दिखाई थी उस रूम के अंदर रख दूंगा, बढ़िया खाना दूंगा विटामिन का जो बाजरा जो भी अच्छा कूट के मीट मार दूंगा खाते हैं वो अच्छा दूंगा अच्छा रखूंगा, दो 1 या 1.5-1.45 दिन उसके अंदर रखूंगा, उतने में बच्चे तैयार हो जाएंगे उनको बाहर निकाल दूंगा, 2 महीने का बच्चा हो जाएगा और बिल्कुल बाहर निकाल दूंगा, अपने आप घूम करेंगे, अभी बारिश हो जाएगी अभी तो अभी तो घास कुछ नहीं दिख रहा है इसकी ग्राउंड में मेरे, अभी देखना बारिश होने बाद कितना घास उगता है, बस उसके बाद में घास उगना शुरू हो जाएगा तो फिर पूरे घास उगते रहेंगे और खाते रहेंगे, बाहर का खाना जाएगी। का बड़ा फायदा है चीज़ का आप देख सकते हो, तो मेरे पास तो असील मुर्गे हैं तेनी और कड़कनाथ, 3 वैरायटी के मैं मुर्गे पाल रखे हैं, मैंने 3 वैरायटी के बेस्ट मुर्गे मैंने पाल रखे हैं ताकि ये आराम से आपका घूमता रहे फिरते रहे खाते रहे। ये हमारा असील का पट्टा देखो मेरे बगल में मरेंगे, आधे को दिया नहीं,
थोड़ा बाहर तो गली, उसके बाद में ये तो मुर्गो पता नहीं क्या झगड़ा, देखो देखो पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। तो ये देखो कितनी मस्ती आ रही है ना हमारे बाहर घूमने से, कितने देखो भाग रहे कोई फिर रहे कोई चुपचाप, देख कोई नहीं बैठा शांति, देख लो कोई नहीं बैठा, सब उड़ रहे इनको बाहर रहने का ये बात है कि विटामिन मिलता है इनको, चिड़ू में विटामिन बहुत होता है।